सो दिस इज द ऑफिशियल अनबॉक्सिंग ऑफ रियलमी 6i बाई सिस्टेक बना। आप लोगों में से काफी सारे लोग इस अनबॉक्सिंग को देखकर सरप्राइज हो सकते हैं, सो डोंट वरी गाइज, सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू मैं बस आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने में जितना टाइम लगा, शायद रियलमी को बस उतना ही टाइम लगा होगा इस डिवाइस की ब्रांडिंग चेंज करने में। कहने का मतलब ये है कि रियलमी 6i जो कि ऑफिशियल 14th of July को इंडिया में लॉन्च हो सकता है, एक्चुअल में रियलमी 6s का ये एक रीब्रांडेड वर्जन है जो ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में कुछ टाइम पहले लॉन्च हो चुका है। ये डिवाइस बजट सेगमेंट में रियलमी 5s का सक्सेसर बन के आएगा जो आपको 10 से 12000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। आप इस डिवाइस को रियलमी 6 का एक डाउनग्रेड वर्जन भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली इस डिवाइस को लॉन्च करके रियलमी पोको M2 Pro के लिए कंपटीशन बनाना चाहता है, और इन दोनों डिवाइस के साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों के दोनों डिवाइस कम्प्लीटली रीब्रांडेड वर्जन है। अब ये सब करने के पीछे कंपनीज का एक्चुअल रीजन क्या होता है वो मैं आगे आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। बट उससे पहले स्पेक्स को लेकर एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये डिवाइस 6.5 इंचेस के फुल HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ में आएगा, जहां आपको एक सिंगल पंच होल कैमरा भी देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले बिल्कुल सेम डिस्प्ले होगा जैसा आपको रियलमी 6 के साथ में देखने को मिला था। अब इस डिवाइस का जो प्राइस है वो रियलमी 6 के कंपैरिजन में ऑब्वियसली कम होगा। अब इस डिवाइस की कॉस्ट को कम करने के लिए हो सकता है रियलमी यहाँ पर आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे दे। प्रोसेसर को लेकर बात करें तो एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको वही MediaTek Helio G90T वाला गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा जो आप ऑलरेडी Realme 6 में देख चुके हो, जो इस प्राइस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल चिपसेट है, जिसका मतलब है कि परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। अगर कैमरास को लेकर बात करें तो बेसिकली Realme 6 के कैमरास में डाउनग्रेड करके आपको Realme 6i के साथ 48MP प्राइमरी सेंसर के साथ क्वाड कैमरा ऑफर किया गया है, जहां आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक पोर्ट्रेट लेंस और एक मैक्रो लेंस का सपोर्ट भी मिलता है। फ्रंट साइड में सेम 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और जो बैटरी है वो भी सिमिलर 4300mAh की देखने को मिलती है विद 30W फास्ट चार्जिंग। सो कैमरा सेंसर के अलावा सेम फीचर जो आपको Realme 6 में देखने को मिलते हैं Realme 6i ऑफर करेगा। प्राइस जो होगी वो ऑब्वियसली 10 से 12000 के बीच में देखने को मिलेगी। अब इन डिवाइस को रीब्रांड करने के पीछे जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि अभी आप जानते हो कि इंडिया में स्मार्टफोन की प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ऊपर से इंडिया वर्सेस चाइना वाले इश्यूज भी चल रहे हैं। अब ऐसे में एक ब्रांड न्यू डिवाइस बनाने के लिए कंपनी को काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। डिवाइस के जो पार्ट्स हैं उन्हें चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है, फिर उनको इंडिया में असेंबल किया जाता है, तो प्रोडक्शन पर बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। और अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट को वैसे भी इंडिया में बायकॉट किया जा रहा है, तो ये मोबाइल कंपनीज ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, और इसी वजह से ऑलरेडी अवेलेबल वेरियंट को ही डिफरेंट नेम के साथ में लॉन्च कर देते हैं। ऐसे में इनको किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वियर नहीं करना पड़ता, पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बस ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है और सेम डिवाइस को डिफरेंट नाम के साथ में लॉन्च कर देते हैं और हम लोगों का पॉपअप बना दिया जाता है। तो रीब्रांडेड डिवाइस अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो तो एक बात आप ध्यान रखो कि वो डिवाइस आपके करंट डिवाइस में एक अच्छा खासा अपग्रेड हो, या फिर उस प्राइस सेगमेंट में आपको एक डिवाइस का सच में रिक्वायरमेंट हो, तभी आप ऐसे डिवाइसेस को बाय करें, वरना काम तो चल ही रहा है तो फिर चलने दो। कंपनीज का क्या है, उनको तो एंड ऑफ द डे से प्रॉफिट गेन करना होता है, बाकी सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर यस तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।